जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। सो अगर आपका भी टारगेट है टू बी ए सब इंस्पेक्टर बिहार, सर मुझे दरोगा बनना है बिहार में, ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि जो मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें होती है, किस एग्जाम को किस तरीके से निकालना है, नॉट ओनली प्री मेंस टिल मैरिट तक आपको किस तरीके से पहुंचना है, हम वो आपको बताते हैं। प्लस आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है उसमें हम आपको गाइड करते हैं। दो चीज मैं आपको बताता हूं, अभी जैसे कि हम लोग का ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, ठीक है, और हर एक टॉपिक से मैं कंफर्म करता हूं आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के सेल्फ नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और एक चीज, उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है जितना एग्जाम के लिए जरूरत है। एज ए टीचर नहीं, आप एज ए स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है उसको पढ़ के जाके वहां प्रोड्यूस करना है, ठीक है। बट एज ए टीचर अगर मैं यहां पढ़ाऊंगा तो मैं वो हर एक चीज पढ़ा दूंगा जो बुक में दिया हुआ है। बट आपका जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा इजी क्वेश्चंस, अगर आप गलत नहीं करते हो, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो 80-85% जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिखेंगे वो हम आपको यहां बता रहे हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, जो साइंस के क्वेश्चन, जो साइंस के क्वेश्चन में डालो, कंसेप्चुअल सीरीज चाहे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, वो मैं स्टेटस में डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप के स्टेटस में। हर एक क्वेश्चन का आप नोट्स बनाइएगा, बहुत काम आएगा आपको, बहुत, मतलब किसी बुक से नहीं, बहुत ही, मतलब एनसीईआरटी के एक एक जो रिएक्शन होते हैं उसको मैं निकाल के आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। चाहे साइंस के डिफरेंट क्वेश्चन हो, उसको आपको नोट बना के रखना है। एग्जाम के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया था वहीं से था, चाहे अभी मेंस का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ठीक है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, तो नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो चीज़ें हम रख रहे हैं, ठीक है, वो आप तक पहुंच पा रही। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के रखिएगा। आज जो हम लोग करेंगे वो है जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व। 2008 से जब पेपर आप अगर आप उठाओगे प्रीवियस ईयर पेपर, तब से लेके आज तक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, जहां से क्वेश्चंस पूछा गया। 1275 में भी पूछा गया था इससे, और इससे पहले भी पूछा गया था, जो कि हमने आपको पढ़ाया था और आपने एग्जाम भी क्लियर किया। तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व का हम लोग बात करें, ठीक है, यहां हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, ठीक है, कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जैव मंडल मतलब संरक्षित एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस इस पे बने, हम लोग उस पे बात करें। जैसे 1275 में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल, ठीक है, या बायोस्फीयर रिजर्व बोल लो, सबसे उत्तरी है, सबसे नॉर्थन मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। चार ऑप्शन है, आप जल्दी से वन लिखिए और उसका आंसर लिख दीजिए कि कौन सा होगा। क्वेश्चन टू, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सबसे पूरब में, मतलब ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, सबसे पूरब में कौन सा है। ये चार ऑप्शन है, नंदा देवी, ठीक है, और आपका ये जो ठंडा रेगिस्तान जो है ना, ये इसको आप कोल्ड डेजर्ट कर लो, ये कन्वर्जन में गलती है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, ये ठंडा रेगिस्तान मतलब कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट आप कर लेना, ठंडा रेगिस्तान, ये इंग्लिश में हमने लिखा था, हिंदी में कन्वर्जन में गूगल ने कर दिया ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल यूनेस्को की सूची में नहीं है, नंदा देवी, अचानकमार, देहांग और नीलगिरी। उसका है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, आपको कमेंट करना है 1, 2, 3, 4, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करने के बाद इस पर हम लोग फिर से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए इस पर हम लोग मैप वाइज भी करेंगे कि कितना टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है, कुछ बेसिक चीज हम लोग देख लेते हैं उसके बाद मैप पे हम लोग जंप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी हम मैप से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत में टोटल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर आपको पूछा जाए तो क्या करोगे, टोटल जो है आपका टोटल 18 जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है या जैव मंडल है, ये चीज आपको याद रखना है। तो कितना है टोटल, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये चीज आपको याद रखना है, जिसमें कि जो 12 जो है, 18 में से 12 जो है आपका किसमें सूचीबद्ध है, तो यूनेस्को के लिस्ट में। यूनेस्को आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें कि 12 जो है आपका यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो कौन सा था, तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी आपने नाम सुना होगा, नीलगिरी आपका पर्वतमाला भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी भी आपने पढ़ा होगा। तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, ये भी हम आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि हम इसको आगे पढ़ाने वाले। तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा बता दीजिएगा, नीलगिरी जो एक पर्वत श्रृंखला है जो कि आपका कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में बसा हुआ है, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, और याद रखिएगा 1986 में। अगर आपको यही क्वेश्चन जो आपको दरोगा में पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सबसे बड़ा आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व वो कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा जो कि असम में है। अच्छे से याद रखिएगा, मेरे साथ बोलो, सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तो आपका कच्छ,
ठीक है। कच्छ जो कि कहाँ है आपका, कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है, और सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सैखोवा। याद रखिएगा आसाम में दो है, एक है डिब्रू सैखोवा, एक है मानस। मानस नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा होगा, तो मानस और डिब्रू सैखोवा जो है आपके आसाम में है, जो कि सबसे छोटा अगर पूछे तो आपका डिब्रू सैखोवा है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब देखिए, हमने आपको बताया कि जो 18 टोटल है, जिसमें कि आपका क्या है, जो 12 जो है आपका यूनेस्को लिस्ट में है, तो इससे अच्छा है कि हमने दिमाग लगाया कि इससे अच्छा है कि 12 यूनेस्को में है वो याद करने से अच्छा है कि कौन सा नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा नहीं है, जब 12 है तो इसमें 6 नहीं होगा, तो हमने क्या किया, वो 6 याद कर लिया, जिसमें कि सबसे पहला आपको याद रखना है कोल्ड डेजर्ट, जो कि कहाँ है, सबसे उत्तरी है हमारा कोल्ड डेजर्ट, सबसे उत्तर वाला कौन सा, हिमालय, हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट, वो हो गया। उसके बाद सबसे पूर्वी वाला आओगे इधर, ठीक है, तो दिहांग, पहला कौन सा नहीं है, तो कोल्ड डेजर्ट। दूसरा कौन सा नहीं है, चलिए इसको हम लोग मैप से आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, मैप से हम लोग जंप करेंगे, तो कौन सा नहीं है, तो कोल्ड डेजर्ट, ये कहाँ, इतना ठंडा है कि यहाँ कोई जाएगा ही नहीं, इसीलिए नहीं है, तो कोल्ड डेजर्ट हो गया। नॉर्थन मोस्ट है ये, सबसे उत्तरी है, और ये हिमाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पे आता है डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा मैंने अभी बताया था असम में, ये सबसे छोटा है, तो छोटे छोटे जगह में कोई जाना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा, बहुत एकदम कंजेस्टेड हो जाएगा तो नहीं जाना चाहेगा, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है धियांग, ठीक है, धियांग ये कहाँ है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है आपका मानस, ये आपका असम में है, और उसके बाद है आपका कच्छ, ये आपका गुजरात में है, और एक है सेसचलम, ठीक है, ये आपका आंध्र। मैंने कैसे याद किया था मैं वो भी बताऊंगा। तो ये जो 6 जो है आपका यूनेस्को लिस्ट में नहीं है। अब हम आते हैं आपका मैप पे आते हैं, देखते हैं कहाँ कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उत्तर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन दरोगा में यही पूछा गया था कि सबसे उत्तरी, सब लोग ने नंदा देवी मारा था, बट हम इसको पढ़ा चुके थे, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट हुआ था। तो कोल्ड डेजर्ट जो है सबसे उत्तरी वाला जो जैव मंडल है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कोल्ड डेजर्ट कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है नंदा देवी कहाँ है, सबको पता है, ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है, तो ये उत्तर में हुआ। अब हम लोग आते हैं पूरब में, पूरब में आप याद रखोगे दिहांग, तो दिहांग वैली जो है ये कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद दो याद रखोगे जो असम में है, एक है आपका डिब्रू सैखोवा, जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा है, डिब्रू सैखोवा जो सबसे छोटा है वो असम में है, और मानस जो है ये भी आपका असम में है। तो दो आपको असम में याद रखना है, मेरे साथ बोलो, डिब्रू सैखोवा जो कि सबसे छोटा है, और मानस, ये असम में, और अरुणाचल में कौन सा था, दिहांग। दिहांग जो है सबसे पूर्वी है, जैसे सबसे उत्तरी कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट, और जो सबसे पूर्वी कौन सा है, तो आपका दिहांग आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मेघालय में आपने सुना होगा, तो मेघालय में एक है आपका नॉकरेक, मैं बताऊंगा कि हमने कैसे याद रखा है कि कौन सा नहीं है लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद कंचनजुंगा जो कि आपका सिक्किम में है, तो ये चीज आपको समझ में आया, मेरे साथ फिर से बोलो, अरुणाचल में कौन सा है, अरुणाचल में बस एक है जो कि सबसे पूर्वी है, वो है दिहांग वैली। असम में कौन सा है, एक है डिब्रू सैखोवा, मेरे साथ देखो डिब्रू सैखोवा, और दूसरा कौन सा है आपका मानस, और जो डिब्रू सैखोवा है कौन सा है, सबसे छोटा है, याद रखिएगा। उसके बाद मेघालय में है कौन सा, नॉकरेक, और एक सिक्किम में है वो है आपका कंचनजुंगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे अगर हम लोग आए तो वेस्ट बंगाल में है एक सुंदरबन। अब सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने आपको ये बताया था कि सबसे बड़ा जो रामसर साइट है, ठीक है, जो सबसे बड़ा रामसर साइट है, ठीक है, वो भारत का सबसे रामसर साइट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर्द्रभूमि का, तो सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है भारत का, तो वो है सुंदरबन, प्लस भारत में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो भी आपका सुंदरबन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सुंदरबन। यहाँ जो डेल्टा जो बनता है वो किससे बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से यहाँ डेल्टा बनता है, तो सुंदरबन हो गया एक, ठीक है, असम में। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका उड़ीसा में, जो कि सिम्पलीपाल हो गया, सिम्पलीपाल एक नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में, सॉरी आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में दो याद रखना है, हीरा एंड पन्ना, आपको पन्ना याद रखना है, और एक याद रखना है पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी पहाड़ी तो आपको पता ही है, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश में। तो पन्ना मैंने अब जगह बताया था आपको, ठीक है, जब खनिज पढ़ा रहा था तो पंचमढ़ी और पन्ना पीपी है, पीपी, ठीक है, पीपी, तो पीपीएमपी, तो पंचमढ़ी और आपको याद रखना है आपका पन्ना, ये कहाँ है आपका मध्य प्रदेश में, और एक है अचान कमार, ठीक है, तो अचान कमार जो है ये छत्तीसगढ़ और आपका कहाँ, आपका मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पश्चिमी है वो कौन सा है, तो आपका रन ऑफ कच्छ, जो सबसे पश्चिमी है, पश्चिम में, वो कौन सा है, रन ऑफ कच्छ, याद रखिएगा, ठीक है, और ये सबसे पश्चिमी है, और ये सबसे बड़ा भी है, सबसे बिग साइज का भी। सबसे छोटा क्या मैंने बताया था, जल्दी याद करो, डिब्रू सैखोवा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी मैंने क्या, मेरे साथ ही ये वीडियो खत्म करके जाना है, ठीक है, याद करके। तो सबसे पूर्वी मैंने बोला था दिहांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटा मैंने क्या बताया था, मानस, नहीं,
डिब्रू सैखोवा मानस और जो डिब्रू सैखोवा असम में है, जबकि सबसे छोटा वाला कौन सा है, डिब्रू सैखोवा असम में है। सबसे उत्तरी कौन सा था, तो हिमालय, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में सबसे उत्तरी वाला है। सबसे पश्चिमी वाला कौन है, कच्छ, जो कि गुजरात में, तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंने क्या बताया था, दो है, ठीक है, MPP, ठीक है, PP, ठीक है, तो एक है पंचमढ़ी, एक है पन्ना, और एक बॉर्डर पे है छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश का अचानकमार, एक है सिंपलीपाल जो कि उड़ीसा में है, सुंदरबन मैंने बता दिया। उसके बाद है सेशचलम, ठीक है, तो जो सेशचलम है ये है आपका आंध्र प्रदेश में, कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश में सेशचलम। और नीलगिरी तो आपको पता ही है कहाँ है, नीलगिरी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद है एक अगस्त्यमलाय आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु और केरल में है, ठीक है। नीचे वाला मैक्सिमम जो है ना वो बॉर्डर पे है, जैसे नीलगिरी तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और जो अगस्त्यमलाय है याद रखिएगा ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है। और जो सबसे, ठीक है, और इसका अगर हम लोग नीचे आए, ठीक है, अगर इसको हम लोग नीचे आते हैं तो एक तमिलनाडु में आपको और याद रखना है, वो है आपका क्या, गल्फ ऑफ मन्नार। बट सबसे पूछे कि दक्षिणी में कौन सा है, तो आपको याद रखना है ग्रेट निकोबर, ठीक है, ग्रेट निकोबर जो है ये भी एक आपका एक जैव मंडल है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे जो नीचे है, जो सबसे साउथ में है, ठीक है, सबसे दक्षिण में वो कौन सा है, आपका ग्रेट निकोबर आपको याद रखना है। और याद रखना, मैं बार बार एक चीज़ कर पाता हूँ कि इंदिरा पॉइंट जो है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपने सुना होगा, ठीक है, जो साउथर्न मोस्ट हमारा दक्षिणम लास्ट बिंदु है हमारे भारत का, वो इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबर में ही है। तो समझ में आएगा, दक्षिण को हम लोग फिर से कहें, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कौन सा है, सेशचलम, ठीक है। उसके बाद जो आपका नीलगिरी है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, एक है अगस्त्यमलाय जो कि कर्नाटका नहीं, नीचे आएंगे कहाँ है, केरल और आपका तमिलनाडु में, एक है गल्फ ऑफ मन्नार जो कि आपका तमिलनाडु में है, और एक है जो सबसे दक्षिण वाला है वो कौन सा है, तो आपका ग्रेट निकोबर, ठीक है। समझ में आया, एक बार इसको हम लोग यहाँ तो हमने देख लिया, एक बार हम लोग क्या करते हैं इसको, अब मैं आपको समझाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले सबसे उत्तरी वाला कौन सा है, तो आप बोलोगे कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल में, सबसे दक्षिण वाला कौन सा है, ग्रेट निकोबर जो कि अंडमान निकोबर में है, ठीक है, दक्षिण वाला। सबसे पूरब वाला कौन सा है, तो आपको याद रखना है दिहांग वैली, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, पूरब वाला। और सबसे पश्चिम वाला कौन सा है, तो रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में, इतना समझ में आया। सबसे बड़ा कौन सा है, तो रन ऑफ कच्छ। सबसे छोटा कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा जो कि आपका असम में। अब याद रखो कि हमने बोला जिसमें कि जो 12 जो है आपका यूनेस्को लिस्ट में, अब 6 कौन सा नहीं है, अब ध्यान से देखिए, बड़ा इजी है याद करना। एक तो जहां सबसे ठंडा होगा वहां नहीं जाएगा आदमी, तो एक जो है आपका कोल्ड डेजर्ट नहीं है, ठीक है, एक जो सबसे छोटा होगा जगह वहां भी कोई नहीं जाना चाहेगा, तो जो सबसे छोटा हो गया डिब्रू सैखोवा और दिहांग, ये दोनों याद रखना। तो डीडी वाला दोनों नहीं है, डीडी वाला और क्या, और कोई डीडी वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो डीडी वाला दोनों नहीं है, मतलब पूर्वी का जो सबसे दोनों नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, 6 ऐसा है जो नहीं है, तो 3 तो ये हो गए। उसके बाद रन ऑफ कच्छ, पूर्वी वाला जो है वो भी नहीं है, ठीक है, पूरा जो पूरब में है, और पूरा जो पश्चिम में है वो भी नहीं है, तो रन ऑफ कच्छ भी नहीं है, तो कितना हो गया, 4 हो गया आपका, ठीक है, 4 हो गया। और एक है आपका सेशचलम, ठीक है, सेशचलम ये आपका 5 हो गया, एक 6 और कौन सा नहीं है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, और एक जो है आपका मानस आई थिंक नहीं है, तो एक बार हम लोग इसको चेक कर लेंगे कौन सा लिस्ट में नहीं है, ठीक है, शेष चला होगा कच्छ हो गया, मानस नहीं है, ठीक है, मैं ठीक बोल रहा था, चलिए, और एक जो हो गया आपका मानस नहीं है, ठीक है, कोई बात ही आपका नहीं मानता है, तो आप जाना चाहोगे वहां, बात नहीं मानेगा तो जाना चाहोगे, नहीं जाना चाहोगे, अब बोलो कौन सा जो 6 है नहीं है, मेरे साथ बोलो। सबसे उत्तर वाला बहुत ठंडा था, कोल्ड हो गया, तो वहां कोई नहीं जाना चाहेगा, तो कोल्ड डेजर्ट नहीं है। उसके बाद जो सबसे पूरब में है, तो जो सबसे पूरब में कौन सा है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, तो दिहांग नहीं है। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है, वहां भी कोई नहीं जाना, डिब्रू सैखोवा नहीं है, और मानता नहीं है बात, तो उसमें कौन जाएगा उसके वहां, तो मानस नहीं है। तो 3 उधर हो गए, 1 ऊपर हो गया, 4, ठीक है, और 1 कच्छ इस साइड वाला पूरा, ठीक है, मतलब सबसे पश्चिम वाला, तो 5, ठीक है, 5 हो गया, और एक नीचे सेशचलम आंध्र प्रदेश, सेशचलम, ठीक है, सेशचलम, शेष नाग आपने सुना होगा, तो वहां नाग है, शेष नाग है, तो कोई नहीं जाना चाहिए, ठीक है, याद हो गया सब चीज। अब देखिए इसको अगर जल्दी से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ मैंने आपको लिस्ट बना दिया, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि नीलगिरी सबसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है, ठीक है, 1986 में ये सबसे पहला जो था, ये भारत का पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, 1986 में बना था, और इसको जो यूनेस्को में जो दर्जा मिला था 2000 में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। उसके बाद नंदा देवी आते हैं, ये उत्तराखंड में है, नौकरेक जो है ये आपका मेघालय में है, ग्रेट निकोबर याद रखिएगा, ग्रेट निकोबर
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है और ये साउथर्न मोस्ट है, मतलब दक्षिण का सबसे लास्ट वाला अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो यही है, दक्षिण का सबसे लास्ट वाला। गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु, मानस, असम, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल, उड़ीसा, डिब्रू सैखुआ, ठीक है, ये आपका असम हो गया, ठीक है, जो डिब्रू सैखुआ है, ठीक है, डिब्रू सैखुआ आपको याद रखना है, ये असम है, डिब्रू सैखुआ और मानस ये दोनों असम में है, दिहांग जो है आपका वो अरुणाचल में, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका डिब्रू सैखुआ आपको कोई सबसे ये छोटा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में और ये सबसे पूर्वी वाला है, ठीक है। उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्त्यमला याद रखिएगा केरला और तमिलनाडु दोनों में है, आपको अपडेट करके दिया जाएगा जब पीडीएफ दिया जाएगा। उसके बाद अचानकमर, अचानकमर कहाँ था मैंने बताया था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। उसके बाद है रन ऑफ कच्छ जो कि सबसे पश्चिमी है, वो है आपका गुजरात में। उसके बाद है कोल डेजर्ट, कोल डेजर्ट आपका कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, जो कि सबसे उत्तरी है। और लास्ट में मैंने यहाँ लिखा है शेषचलम, 17 नंबर का, तो शेषचलम जो है आपका शेषनाग आंध्र प्रदेश। और पन्ना जो सबकी सबसे लेटेस्ट है 2011 में इसको लिस्ट किया गया था, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भारत में, और 2020 में इसको यूनेस्को का लिस्ट में शामिल किया गया था। तो यहाँ ये यूनेस्को के लिस्ट में कब शामिल किया गया और इतना आपको नहीं पूछेगा, बस मैंने आपको लिख दिया क्योंकि सबसे लेटेस्ट वाला है। तो 2011 में इसको आपको जैव मंडल का दर्जा दिया गया और 2020 में इसको यूनेस्को लिस्ट में, ठीक है, समझ में आया, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, देखो सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सबसे उत्तरी, आप जल्दी से बताओ सबसे उत्तर में कौन था, तो आपको याद रखना है कोल्ड डेजर्ट कहाँ था, हिमाचल प्रदेश। अब जल्दी से बताओ सबसे पूर्वी वाला कौन सा था, तो दिहांग, दिहांग था, याद करो दिहांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी वाला कौन सा था, कच्छ, गुजरात, सबसे पश्चिम में। और सबसे दक्षिण वाला कौन सा था, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, डन खत्म। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सबसे पूरब में, तो मैंने बता दिया सबसे पूरब में कौन सा है आपका, दिहांग वाला जो है सबसे पूरब में, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल यूनेस्को की सूची में नहीं है, कौन सा यूनेस्को की सूची में नहीं है, नहीं है यहाँ पूछा, ठीक है, तो कौन सा है, नंदा देवी है, आचानकमर है, दिहांग और नीलगिरी। तो दिहांग कौन सा था, सबसे पश्चिम आपका पूर्वी वाला, सबसे पूर्वी वाला मतलब ईस्टर्न मोस्ट पता, दिहांग जो था वो नहीं था, दिहांग नहीं था, डिब्रू सैखुआ नहीं था, मानस नहीं था, वो तीनों नहीं था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो था आपका नीलगिरी, ठीक है। और इसको कब दर्जा ये दिया गया था 1986, यहां हमने लिख दिया है, आप यहां देख सकते हो 1986, ठीक है। तो आशा करता हूँ जितना मेहनत हमने किया आप भी उतना मेहनत करोगे, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, नीचे लिंक है, स्टेटस का क्वेश्चन आप जरूर देखें, बहुत लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे। थैंक यू सो मच, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, जय हिंद। जय हिंद, आप सभी को नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज, होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। सो अगर आपका भी टारगेट है टू बी ए सब इंस्पेक्टर बिहार, सर मुझे दरोगा बनना है बिहार में, ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि जो मोस्ट ऑथेंटिक चीजें होती है किस एग्जाम को किस तरीके से निकालना है, नॉट ओनली प्री मेंस टिल मेरिट तक आपको किस तरीके से पहुंचना है हम वो आपको बताते हैं, प्लस आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है उसमें हम आपको गाइड करते हैं। दो चीज मैं आपको बताता हूं, अभी जैसे कि हम लोग का ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, ठीक है, और हर एक टॉपिक्स में कंफर्म करता हूं आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के सेल्फ नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और एक चीज, उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है जितना एग्जाम के लिए जरूरत है, एज ए टीचर नहीं, आप एज ए स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है उसको पढ़ के जाके वहां प्रोड्यूस करना है, ठीक है, बट एज ए टीचर अगर मैं यहां पढ़ाऊंगा तो मैं वो हर एक चीज पढ़ा दूंगा जो बुक में दिया हुआ है, बट आपका जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा इजी क्वेश्चंस, अगर आप गलत नहीं करते हो, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो 80-85% जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिखेंगे वो हम आपको यहां बता रहे हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, जो साइंस के क्वेश्चन, जो साइंस के क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, कंसेप्चुअल सीरीज चाहे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, वो मैं स्टेटस में डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप के स्टेटस में, हर एक क्वेश्चन का आप नोट्स बनाइएगा, बहुत काम आएगा आपको, बहुत मतलब वो किसी बुक से नहीं, बहुत ही मतलब एनसीईआरटी के एक एक जो रिएक्शन होते हैं उसको मैं निकाल निकाल के आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, चाहे साइंस के डिफरेंट क्वेश्चन हो उसको आपको नोट बना के रखना है। एग्जाम के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया था वहीं से था, चाहे अभी मेंस का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ठीक है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं
तो नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते हो ठीक है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो चीज़ें हम रख रहे हैं ठीक है वो आप तक पहुंच पा रही, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के रखिएगा। आज जो हम लोग करेंगे वो है जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व। 2008 से जब पेपर आप अगर आप उठाओगे प्रीवियस ईयर पेपर, तब से लेके आज तक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है जहां से क्वेश्चंस पूछा गया। 1275 में भी पूछा गया था इससे, और इससे पहले भी पूछा गया था जो कि हमने आपको पढ़ाया था और आपने एग्जाम भी क्लियर किया। तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व का हम लोग बात करें ठीक है, यहाँ हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं ठीक है, कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जैव मंडल मतलब संरक्षित एरिया होता है ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस इस पे बने हम लोग उस पे बात करें। जैसे 1275 में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल ठीक है या बायोस्फीयर रिजर्व बोल लो सबसे उत्तरी है, सबसे नॉर्थन मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। चार ऑप्शन है, आप जल्दी से वन लिखिए और उसका आंसर लिख दीजिए कि कौन सा होगा। क्वेश्चन टू, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सबसे पूरब में, मतलब ईस्टर्न मोस्ट ठीक है जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, सबसे पूरब में कौन सा। ये चार ऑप्शन है, नंदा देवी ठीक है, और आपका ये जो ठंडा रेगिस्तान जो है ना, ये इसको आप कोल्ड डेजर्ट कर लो, ये कन्वर्जन में गलती है ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ठीक है, ये ठंडा रेगिस्तान मतलब कोल्ड डेजर्ट ठीक है, कोल्ड डेजर्ट आप कर लेना, ठंडा रेगिस्तान ये इंग्लिश में हमने लिखा था, हिंदी में कन्वर्जन में गूगल ने कर दिया ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल यूनेस्को की सूची में नहीं है, नंदा देवी, अचानकमार, देहांग और नीलगिरी। उसका है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, आपको कमेंट करना है 1, 2, 3, 4, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करने के बाद इस पर हम लोग फिर से आएंगे ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए इस पे हम लोग मैप वाइज भी करेंगे कि कितना टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है, कुछ बेसिक चीज हम लोग देख लेते हैं उसके बाद मैप पे हम लोग जंप करेंगे ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी हम मैप से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत में टोटल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर आपको पूछा जाए तो क्या करोगे, टोटल जो है आपका टोटल 18 जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है या जैव मंडल है, ये चीज आपको याद रखना है। तो कितना है टोटल, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये चीज आपको याद रखना है, जिसमें कि जो 12 जो है, 18 में से 12 जो है आपका किसमें सूचीबद्ध है, तो यूनेस्को के लिस्ट में। यूनेस्को आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें कि 12 जो है आपका यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो कौन सा था, तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी आपने नाम सुना होगा, नीलगिरी आपका पर्वतमाला भी आपने पढ़ा होगा ठीक है, और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी भी आपने पढ़ा होगा, तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है ये भी हम आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि हम इसको आगे पढ़ाने वाले। तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा बता दीजिएगा, नीलगिरी जो एक पर्वत श्रृंखला है जो कि आपका कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में बसा हुआ है ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, और याद रखिएगा 1986 में। अगर आपको यही क्वेश्चन जो आपको दरोगा में पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सबसे बड़ा आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व वो कौन सा है, तो डिब्रू सेखुआ जो कि असम में है। अच्छे से याद रखिएगा, मेरे साथ बोलो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तो आपका कच्छ ठीक है, कच्छ जो कि कहाँ है आपका, कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है, और सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू सेखुआ। याद रखिएगा असम में दो है, एक है डिब्रू सेखुआ, एक है मानस, मानस नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा होगा, तो मानस और डिब्रू सेखुआ जो है आपके असम में है, जो कि सबसे छोटा अगर पूछे तो आपका डिब्रू सेखुआ है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। चलिए अब देखिए, हमने आपको बताया कि जो 18 टोटल है जिसमें कि आपका क्या है, जो 12 जो है आपका यूनेस्को लिस्ट में है, तो इससे अच्छा है कि हमने दिमाग लगाया कि इससे अच्छा है कि 12 यूनेस्को में है वो याद करने से अच्छा है कि कौन सा नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा नहीं है, जब 12 है तो इसमें 6 नहीं होगा, तो हमने क्या किया, वो 6 याद कर लिया, जिसमें कि सबसे पहला आपको याद रखना है कोल्ड डेजर्ट, जो कि कहां है, सबसे उत्तरी है हमारा कोल्ड डेजर्ट, सबसे उत्तर वाला कौन सा, हिमालय, हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट, वो हो गया। उसके बाद सबसे पूर्वी वाला आओगे इधर ठीक है, तो दिहांग पहला कौन सा नहीं है, तो कोल्ड डेजर्ट। दूसरा कौन सा नहीं है, चलिए इसको हम लोग मैप से आपको करके दिखाते हैं ठीक है, मैप से हम लोग जंप करेंगे। तो कौन सा नहीं है, तो कोल्ड डेजर्ट, ये कहां, इतना ठंडा है कि यहां कोई जाएगा ही नहीं, इसीलिए नहीं है, तो कोल्ड डेजर्ट हो गया, नॉर्थन मोस्ट है ये, सबसे उत्तरी है और ये हिमाचल प्रदेश में।
दूसरे नंबर पे आता है डिब्रू सेखवा। डिब्रू सेखवा मैंने अभी बताया था, असम में ये सबसे छोटा है, तो छोटे छोटे जगह में कोई जाना चाहेगा? क्यों जाना चाहेगा? बहुत एकदम कंजेस्टेड हो जाएगा तो नहीं जाना चाहेगा। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है धियांग, ठीक है। धियांग ये कहाँ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है आपका मानस, ये आपका असम में है। और उसके बाद है आपका कच्छ, ये आपका गुजरात में है। और एक है शेष चलम, ठीक है, ये आपका आंध्र। मैंने कैसे याद किया था मैं वो भी बताऊंगा। तो ये जो छह जो है आपका यूनेस्को लिस्ट में नहीं है। अब हम आते हैं आपका मैप पे, मैप पे आते हैं, देखते हैं कहाँ कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उत्तर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोल डेजर्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन दरोगा में यही पूछा गया था कि सबसे उत्तरी, सब लोग ने नंदा देवी मारा था, बट हम इसको पढ़ा चुके थे, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट हुआ था। तो कोल डेजर्ट जो है सबसे उत्तरी वाला जो जैव मंडल है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है कोल डेजर्ट कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? सबको पता है, ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये उत्तर में हुआ। अब हम लोग आते हैं पूरब में। पूरब में आप याद रखोगे दिहांग। तो दिहांग वैली जो है ये कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद दो याद रखोगे जो असम में है, एक है आपका डिब्रू सेखवा, जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा है, डिब्रू सेखवा जो सबसे छोटा है वो असम में है। और मानस जो है ये भी आपका असम में है। तो दो आपको असम में याद रखना है, मेरे साथ बोलो, डिब्रू सेखवा जो कि सबसे छोटा है और मानस, ये असम में। और अरुणाचल में कौन सा था? दिहांग। दिहांग जो है सबसे पूर्वी है, जैसे सबसे उत्तरी कौन सा है? कोल डेजर्ट। और जो सबसे पूर्वी कौन सा है? तो आपका दिहांग आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मेघालय में आपने सुना होगा, तो मेघालय में एक है आपका नॉकरेक। मैं बताऊंगा कि हमने कैसे याद रखा है कि कौन सा नहीं है लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद कंचनजुंगा जो कि आपका सिक्किम में है। तो ये चीज आपको समझ में आया? मेरे साथ फिर से बोलो, अरुणाचल में कौन सा है? अरुणाचल में बस एक है जो कि सबसे पूर्वी है, वो है दिहांग वैली। असम में कौन सा है? एक है डिब्रू सेखवा, मेरे साथ देखो, डिब्रू सेखवा। और दूसरा कौन सा है? आपका मानस। और जो डिब्रू सेखवा है कौन सा है? सबसे छोटा है, याद रखिएगा। उसके बाद मेघालय में है एक कौन सा? नॉकरेक। और एक सिक्किम में है, वो है आपका कंचनजुंगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे अगर हम लोग आए तो वेस्ट बंगाल में है एक सुंदरबन। अब सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। हमने आपको ये बताया था कि सबसे बड़ा जो रामसर साइट है, ठीक है, जो सबसे बड़ा रामसर साइट है, ठीक है, वो भारत का सबसे रामसर साइट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर्द्र भूमि का। तो सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है भारत का? तो वो है सुंदरबन। प्लस भारत में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो भी आपका सुंदरबन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सुंदरबन। यहाँ जो डेल्टा जो बनता है वो किससे बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से यहाँ डेल्टा बनता है। तो सुंदरबन हो गया एक, ठीक है, असम में। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका उड़ीसा में, जो कि सिम्पलीपाल हो गया। सिम्पलीपाल एक नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सॉरी आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दो याद रखना है, हीरा एंड पन्ना, आपको पन्ना याद रखना है, और एक याद रखना है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी पहाड़ी तो आपको पता ही है, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश में। तो पन्ना मैंने अब जगह बताया था आपको, ठीक है, जब खनिज पढ़ा रहा था तो पंचमढ़ी और पन्ना पीपी है, पीपी, ठीक है, पीपी, तो पीपीएमपी। तो पंचमढ़ी और आपको याद रखना है आपका पन्ना, ये कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। और एक है अचान कमार, ठीक है, तो अचान कमार जो है ये छत्तीसगढ़ और आपका कहाँ? आपका मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पश्चिमी है वो कौन सा है? तो आपका रन ऑफ कच्छ, जो सबसे पश्चिमी है, पश्चिम में, वो कौन सा है? रन ऑफ कच्छ, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सबसे पश्चिमी है और ये सबसे बड़ा भी है, सबसे बिग साइज का भी। सबसे छोटा क्या मैंने बताया था, जल्दी याद करो, डिब्रू सेखवा, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी मैंने क्या, मेरे साथ ही ये वीडियो खत्म करके जाना है, ठीक है, याद करके। तो सबसे पूर्वी मैंने बोला था दिहांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटा मैंने क्या बताया था, मानस, नहीं, डिब्रू सेखवा, मानस। और जो डिब्रू सेखवा असम में है, जबकि सबसे छोटा वाला कौन सा है? डिब्रू सेखवा असम में है। सबसे उत्तरी कौन सा था? तो हिमालय, ठीक है, कोल डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश में सबसे उत्तरी वाला है। सबसे पश्चिमी वाला कौन है? कच्छ, जो कि गुजरात में, तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंने क्या बताया था, दो है, ठीक है, एमपीपी, ठीक है, पीपी, ठीक है, तो एक है पंचमढ़ी, एक है पन्ना, और एक बॉर्डर पे है छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश का अचान कमार। एक है सिम्पलीपाल जो कि उड़ीसा में है, सुंदरबन मैंने बता दिया। उसके बाद है शेष चलम, ठीक है, तो जो शेष चलम है ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में शेष चलम। और नीलगिरी तो आपको पता ही है कहाँ है, नीलगिरी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में है, ठीक है।
उसके बाद है एक अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई आपको याद रखना है ये तमिलनाडु और केरल में है, ठीक है। नीचे वाला मैक्सिमम जो है ना वो बॉर्डर पे, जैसे नीलगिरी तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और जो अगस्त्यमलाई है याद रखिएगा ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे। और जो सबसे, ठीक है, और इसका अगर हम लोग नीचे आए, ठीक है, अगर इसको हम लोग नीचे आते हैं तो एक तमिलनाडु में आपको और याद रखना है, वो है आपका क्या, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। बट सबसे पूछे कि दक्षिणी में कौन सा है, तो आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो है ये भी एक आपका एक जैव मंडल है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे जो नीचे है, जो सबसे साउथ में है, ठीक है, सबसे दक्षिण में वो कौन सा है, आपका ग्रेट निकोबार आपको याद रखना है। और याद रखना, मैं बार बार एक चीज करवाता हूँ कि इंदिरा पॉइंट जो है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपने सुना होगा, ठीक है, जो साउथर्न मोस्ट हमारा दक्षिणम लास्ट बिंदु है हमारे भारत का, वो इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार में ही है। तो समझ में आया, एक बार दक्षिण को हम लोग फिर से, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कौन सा है, सेशचलम, ठीक है। उसके बाद जो आपका नीलगिरी है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, एक है अगस्त्यमलाई जो कि कर्नाटका, कर्नाटका नहीं, नीचे आएंगे कहाँ है, केरल और आपका तमिलनाडु में, एक है गल्फ ऑफ मन्नार जो कि आपका तमिलनाडु में है, और एक है जो सबसे दक्षिण वाला है वो कौन सा है, तो आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। समझ में आया, एक बार इसको हम लोग यहां तो हमने देख लिया, एक बार हम लोग क्या करते हैं इसको, अब मैं आपको समझाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले सबसे उत्तरी वाला कौन सा है, तो आप बोलोगे कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल में। सबसे दक्षिण वाला कौन सा है, ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है, दक्षिण वाला। सबसे पूर्व वाला कौन सा है, तो आपको याद रखना है दिहांग वैली, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्व वाला। और सबसे पश्चिम वाला कौन सा है, तो रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में। इतना समझ में आया, सबसे बड़ा कौन सा है, तो रन ऑफ कच्छ, सबसे छोटा कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा जो कि आपका असम में। अब याद रखो कि हमने बोला जिसमें कि 12 जो है आपका, जिसमें कि जो 12 जो है आपका यूनेस्को लिस्ट में, आप 6 कौन सा नहीं है, आप ध्यान से देखिए, बड़ा इजी है याद करना। एक तो जहां सबसे ठंडा होगा वहां नहीं जाएगा आदमी, तो एक जो है आपका कोल्ड डेजर्ट नहीं है, ठीक है, एक जो सबसे छोटा होगा जगह वहां भी कोई नहीं जाना चाहेगा। तो जो सबसे छोटा हो गया डिब्रू सैखोवा और दिहांग, ये दोनों याद रखना। तो डीडी वाला दोनों नहीं है, डीडी वाला और क्या, और कोई डीडी वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो डीडी वाला दोनों नहीं, मतलब पूर्वी का जो सबसे दोनों नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, 6 ऐसा है जो नहीं है, तो 3 तो ये हो गए। उसके बाद रन ऑफ कच्छ, पूर्वी वाला जो है वो भी नहीं है, ठीक है, पूरा जो पूरब में है, और पूरा जो पश्चिम में है वो भी नहीं है, तो रन ऑफ कच्छ भी नहीं है। तो कितना हो गया, 4 हो गया आपका, ठीक है, 4 हो गया। और एक है आपका सेशचलम, ठीक है, सेशचलम, ये आपका 5 हो गया। तो एक 6 और कौन सा नहीं है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, और एक जो है आपका मानस आई थिंक नहीं है। तो एक बार हम लोग इसको चेक कर लेंगे कौन सा लिस्ट में नहीं है, ठीक है, शेष चला होगा कच्छ हो गया, मानस नहीं है, ठीक है, मैं ठीक बोल रहा था, चलिए। और एक जो हो गया आपका मानस नहीं है, ठीक है, कोई बात ही आपका नहीं मानता है, तो आप जाना चाहोगे वहां, बात नहीं मानेगा तो जाना चाहोगे, नहीं जाना चाहोगे, अब बोलो कौन सा जो 6 है नहीं है, मेरे साथ बोलो। सबसे उत्तर वाला बहुत ठंडा था, कोल्ड हो गया, तो वहां कोई नहीं जाना चाहेगा, तो कोल्ड डेजर्ट नहीं है। उसके बाद जो सबसे पूरब में है, तो जो सबसे पूरब में कौन सा है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, तो दिहांग नहीं है। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है, वहां भी कोई नहीं जाना, डिब्रू सैखोवा नहीं है, और मानता नहीं है बात, तो उसमें कौन जाएगा उसके वहां, तो मानस नहीं है। तो 3 उधर हो गए, 1 ऊपर हो गया, 4, ठीक है, और 1 कच्छ इस साइड वाला पूरा, ठीक है, मतलब सबसे पश्चिम वाला, तो 5, ठीक है, 5 हो गया। और एक नीचे सेशचलम आंध्र प्रदेश, शेष मतलब सेशचलम, ठीक है, सेशचलम, शेष नाग आपने सुना होगा, तो वहां नाग है, शेष नाग है, तो कोई नहीं जाना चाहिए, ठीक है, याद हो गया सब चीज। अब देखिए इसको अगर जल्दी से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ मैंने आपको लिस्ट बना दिया, एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नीलगिरी सबसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है, ठीक है, 1986 में ये सबसे पहला जो था, ये भारत का पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, 1986 में बना था, और इसको जो यूनेस्को में जो दर्जा मिला था 2000 में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। उसके बाद नंदा देवी आते हैं, ये उत्तराखंड में है, नौकरेक जो है ये आपका मेघालय में है, ग्रेट निकोबार याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, और ये साउथर्न मोस्ट है, मतलब दक्षिण का सबसे लास्ट वाला अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो यही है, दक्षिण का सबसे लास्ट वाला। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, मानस
असम, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल, उड़ीसा, डिब्रू सेखुआ, ठीक है, ये आपका असम हो गया, ठीक है, जो डिब्रू सेखुआ है, ठीक है, डिब्रू सेखुआ आपको याद रखना है, ये असम है, डिब्रू सेखुआ और मानस ये दोनों असम में है, दिहांग जो है आपका वो अरुणाचल में, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका डिब्रू सेखुआ आपको कोई सबसे ये छोटा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में और ये सबसे पूर्वी वाला है, ठीक है। उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्त्यमलाय याद रखिएगा केरला और तमिलनाडु दोनों में है, आपको अपडेट करके दिया जाएगा जब पीडीएफ दिया जाएगा। उसके बाद अचानकमर कहाँ था, मैंने बताया था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। उसके बाद है रन ऑफ कच्छ जो कि सबसे पश्चिमी है, वो है आपका गुजरात में। उसके बाद है कोल डेजर्ट, कोल डेजर्ट आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, जो कि सबसे उत्तरी है। और लास्ट में मैंने यहाँ लिखा है शेषचलम, 17 नंबर का, तो शेषचलम जो है आपका शेषनाग आंध्र प्रदेश। और पन्ना जो सबकी सबसे लेटेस्ट है, 2011 में इसको लिस्ट किया गया था, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भारत में, और 2020 में इसको यूनेस्को का लिस्ट में शामिल किया गया था। तो यहाँ ये यूनेस्को के लिस्ट में कब शामिल किया गया, और इतना आपको नहीं पूछेगा, बस मैंने आपको लिख दिया क्योंकि सबसे लेटेस्ट वाला है। तो 2011 में इसको आपको जैव मंडल का दर्जा दिया गया और 2020 में इसको यूनेस्को लिस्ट में, ठीक है, समझ में आया, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, देखो सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सबसे उत्तरी है, आप जल्दी से बताओ सबसे उत्तर में कौन था, तो आपको याद रखना है कोल्ड डेजर्ट कहाँ था, हिमाचल प्रदेश। अब जल्दी से बताओ सबसे पूर्वी वाला कौन सा था, तो दिहांग, दिहांग था, याद करो दिहांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी वाला कौन सा था, कच्छ, गुजरात, सबसे पश्चिम में। और सबसे दक्षिण वाला कौन सा था, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, डन खत्म। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सबसे पूरब में, तो मैंने बता दिया सबसे पूरब में कौन सा है आपका, दिहांग वाला जो है सबसे पूरब में, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल यूनेस्को की सूची में नहीं है, कौन सा यूनेस्को की सूची में नहीं है, नहीं है यहाँ पूछा है, ठीक है, तो कौन सा है, नंदा देवी है, आचानकमर है, दिहांग और नीलगिरी। तो दिहांग कौन सा था, सबसे पश्चिम आपका पूर्वी वाला, सबसे पूर्वी वाला मतलब ईस्टर्न मोस्ट पता, दिहांग जो था वो नहीं था, दिहांग नहीं था, डिब्रू सेखुआ नहीं था, मानस नहीं था, वो तीनों नहीं था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो था आपका नीलगिरी, ठीक है। और इसको कब दर्जा ये दिया गया था 1986, यहाँ हमने लिख दिया है, आप यहाँ देख सकते हो 1986, ठीक है। तो आशा करता हूँ जितना मेहनत हमने किया आप भी उतना मेहनत करोगे, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, नीचे लिंक है, स्टेटस का क्वेश्चन आप जरूर देखें, बहुत लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे। थैंक यू सो मच, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, जय हिंद।